दोस्तों 500 सालों के बाद होलिका दहन के दिन बन रहा है महाशुभ संयोग। इस दिन अगर आपने इस वीडियो में बताया गया उपाय कर लिया तो आप बन जाएंगे महाकरोड़पति। कहते हैं कि होलिका दहन व होली के दिन किए जाने वाले उपाय अवश्य प्रभाव दिखाते हैं। इस दिन यदि आपने पूरी सच्ची श्रद्धा व विश्वास के साथ इस उपाय को किया तो आप करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है कि होलिका दहन व होली के दिन किए जाने वाले उपाय इतने प्रभावशाली होते हैं कि जन्मों जन्मों की गरीबी भी मिट जाती है। जो लोग धन की कामना करते हैं उनके घर इस प्रकार के छोटे मोटे उपाय करने से ही अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा भी यदि आप पाना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य अपना कर देखें, क्योंकि इन उपायों में इतनी शक्ति होती है कि ये एक फकीर को भी राजा जैसा बना सकती है। वहीं होलिका दहन व होली के दिन किए जाने वाले उपाय अपना प्रभाव निश्चित रूप से ही दिखाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद ही जबरदस्त उपाय, जिसे आप होली के दिन करते हैं या फिर होलिका दहन के दिन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ही असर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जान लें कि किस प्रकार से उपाय आपको करना है। अमीर बनने की चाहत तो हर किसी में होती है, वहीं लोग उसके लिए मेहनत भी खूब करते हैं, पर लोग मेहनत और लगन करने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते। पूरी जिंदगी पैसों की कमी इंसान को अपने सपने पूरा करने से रोक देती है। ऐसे में अगर कुछ टोटका या फिर उपाय किया जाए तो उसका फायदा हर किसी इंसान को प्राप्त हो सकता है। आपके घर में कपूर तो जरूरी होगा। जी हाँ, वही कपूर जिसका उपयोग आप पूजा पाठ और हवन के समय करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कपूर के ऐसे ही आसान और खास उपाय बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप अपनी जिंदगी में हर प्रकार की परेशानी दूर कर सकते हैं, चाहे वह धन संबंधी हो, वास्तु दोष संबंधी हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप उसे दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कपूर के टोटकों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। दोस्तों, कपूर को जलाने से वातावरण में खुशबू फैल जाती है और मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। और कहते हैं इसके बारे में कुछ टोटके किए जाए तो वह भी आपको बहुत ही फायदा दिलाते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी दुख हो या परेशानी हो आप उसे दूर कर सकते हैं। धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कपूर जलाने की परंपरा आपके पूर्वजों के समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो देवी देवता के सामने अगर आप शाम के समय पूजा करते समय कपूर जलाते हैं तो उससे आपकी आत्मा को शांति मिलती है और एक निर्मल मन का निर्माण भी होता है। किसी भी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को देसी घी में भिगोकर आपको कपूर को जलाना चाहिए। उसकी खुशबू से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है, वहीं सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास कर लेती है। वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये स्पष्ट हो जाता है कि कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद हम जानते हैं किसी प्रकार की परेशानी धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। आपके घर में गरीबी को दूर कर सकते हैं और धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको चाहिए गुलाब का फूल, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। गुलाब का फूल दोस्तों आपको जहां पर भी पूजा के सामान मिलता है, मंदिरों के सामने या फिर फूल मार्केट में या जहां कहीं भी आप फूल ले सकते हैं, वहां से आपको एक गुलाब का फूल लेकर के आना है और गुलाब के फूल का एक टुकड़ा आपको अपने मंदिर में रखना है। इसके बाद शाम के समय में कपूर का टुकड़ा रख करके जला देना है इस गुलाब के फूल के टुकड़े के ऊपर, और इसके बाद आपको बाकी के फूल को देवी दुर्गा के सामने चढ़ा देना है। इससे आपको धन की प्राप्ति होती है, इससे आपको अचानक धन लाभ के योग भी बनने लगते हैं। आपके घर में धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है और आप उसे दूर करना चाहते हैं, इसके लिए कपूर का बहुत ही कारगर उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यदि किसी स्थान पर किसी भी जगह पर वास्तु दोष है तो वहां पर आपको कपूर की टिकिया लेनी है। टिकिया लेने के बाद उस जगह पर इसको वहां पर जला देना है और जब तक कि कपूर पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए तब तक आप वहीं पर खड़े रहें। दूसरा उपाय आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, घर में वास्तु दोष जहां पर भी हो वहां पर आप घी में मिला हुआ कपूर को भी वहां जला सकते हैं और जब तक
वहां तक वो कपूर की टिकिया पूरी तरह खत्म ना हो जाए, आप वहीं पर खड़े रहें, इससे आपके घर में वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो बहुत कारगर यह उपाय है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने घर में कपूर जलाना है। आइए जानते हैं कैसे जलाना है इस कपूर को। अगर आप अपने घर में कपूर जलाते हैं तो सिर्फ कपूर जलाने मात्र से आपके घर में चाहे देवदूत हो चाहे पितृ दोष हो सुबह तक वह दूर हो जाता है। अगर आपके घर में पितृ दोष भी आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उसका विनाश हो जाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृ दोष काल सब दोष है, दरअसल यह राहु और केतु के प्रभाव मात्र से ही बनता है। इसको दूर करने के लिए घर में वास्तु को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने पूजा के समय, जब भी आप अपने घर में पूजा करते हैं सुबह या शाम, आपको एक कपूर की टिकिया लेनी है और उसे अपने मन की सभी इच्छाएं या अपने सभी परेशानियां 3 बार बोल देनी है। इसके बाद इस कपूर को जलाना है, या आप चाहें तो घर के शौचालय या फिर बाथरूम में 2-2 टिकिया रख करके उसे भी आप अपने घर में किसी भी प्रकार के परेशानियों को, चाहे वो किसी प्रकार की हो, आप उसे वहां जला दें, इससे वो दूर हो जाती है। यह दोस्तों सबसे आसान उपाय है, घर के शौचालय या बाथरूम में टिकिया रखकर जलाने वाला। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दांत संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वे दूर होने लगेंगी। बस इतना सा ही उपाय आपके लिए काफी है। आपके घर की हर समस्या की परेशानी को दूर करने के लिए यह एकमात्र बहुत अचूक उपाय है। अगर बात की जाए अचानक घटना या दुर्घटना के बारे में तो उसमें भी कपूर की गोली आराम से आपको बचा सकती है। अचानक दुर्घटना होने के कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा और दुर्घटना का कारण भी आपको आगे आगे आपके मानसिक तनाव बना सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रात्रि के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर अचानक दुर्घटना होने का प्रभाव हो या आपको आशंका हो तो उसके ऊपर से 7 बार कपूर की टिकिया को फेर लेना है, और आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर उस टिकिया को रख करके जला देना है। इससे उस व्यक्ति के ऊपर अचानक दुर्घटना का प्रभाव नष्ट हो जाता है और एकाएक आप देखेंगे कि उसके साथ शुभ ही शुभ होने लगता है। किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना तो होती है ना ही होने देती है, और यदि होने वाली भी होती है तो आपको पूर्व सूचना किसी न किसी रूप में मिल जाती है। और रात्रि को सोने से पूर्व कपूर जलाना है तो आपके लिए ये तो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, आपकी हर प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए एक बहुत ही आसान उपाय है। अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं या भाग्य आपका साथ नहीं देता तो आपको यह उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसके लिए चाहिए सिर्फ कपूर का तेल। जी हाँ, इस उपाय के लिए आपको कपूर का तेल लेना है। जब भी आप नहाते हैं सुबह के समय जब भी आप नहाते हैं, आपको नहाने के पानी में कपूर के तेल को डालना है। नहाने के बाद इस पानी से नहाए और बाद में इसे अपने घर की नाली में बहा दे। बचे हुए पानी को अपने घर की नाली में आप जरूर बहा दे। यह दोस्तों उपाय आपको तरोताजा भी तो रखेगा ही और आपके भाग्य को भी चमकाने लगेगा। नहाने के पानी में अगर आप चमेली का तेल डालते हैं तो इससे राहु केतु शांत हो जाते हैं और इसे दूर होकर के आपकी राशि में आपको शुभ फल प्राप्त करना शुरू कर देते हैं और आपकी सभी परेशानियां दूर होगी और साथ ही आपका साथ भी देंगे। आपको यह उपाय शनिवार के दिन करना चाहिए, यानी चमेली के तेल को आपको नहाने के पानी में शनिवार के दिन डालना चाहिए। अगर आप राहु केतु दोष को दूर करना चाहते हैं तो आप नहाने के पानी में कपूर का तेल डालकर तो कभी भी नहा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली सिर्फ और सिर्फ राहु केतु के उपाय के लिए करना चाहते हैं तो आप चमेली के तेल को शनिवार के दिन डालें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो उस तनाव को दूर करने के लिए भी आप कपूर के टोटके का यूज कर सकते हैं। रात को सोते समय पति और पत्नी के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया पति अपने पत्नी के तकिए के नीचे रखे और पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे रख दे, और सुबह होते ही घर के बाहर कहीं उचित स्थान पर कोना देख करके वहां पर कपूर के साथ इसे जला दे, या फिर आप इसे जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में भी जला सकते हैं। इस उपाय को करने से अगर पति पत्नी के बीच तनाव रहता है तो वह दूर हो जाता है। अगर आपको इस उपाय को ना कर पाए तो आप इस उपाय को घर के बाहर भी कर सकते हैं, यानी कि जलाने वाला कार्य घर के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सोने वाले कमरे में करते हैं तो यह आपको बहुत ही फायदा दिलाएगा। पति पत्नी के बीच का तनाव तो दूर होगा ही, साथ ही साथ ये आपको धनवान भी बनाना शुरू कर देगा। इसके अलावा बात करते हैं एक और उपाय के बारे में। रात्रि के समय जब भी आप अपनी रसोई में साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई करने के बाद चांदी की कटोरी में एक कपूर जला दिया करें। यह कार्य आपको नित्य प्रतिदिन करना है। जैसे कि आपको इसको करने लगेंगे तो आपकी धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न
होता आप खुद ही महसूस करने लगेंगे। इससे आपके घर में धन धान्य की पूर्ति होने लगती है और आपका घर धन धान्य की कमी से कभी भी परेशान नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कपूर के उपाय बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट में जय बजरंगबली लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों कल की वीडियो हमारी देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, नए टोटके के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।